सही है। अच्छा अभी आ गए हो आप सब लोग? समीर जॉनी। अच्छा मैं आपको बता रहा था ना कि यहाँ तक ना मतलब आपने फुल बेहतर है कि आप इसको फुल एनिमेट करें। अगर आप हर एक एक चीज को अलग एनिमेट करेंगे तो फिर वो मसला होगा आपके लिए, क्योंकि तो उसकी कोई सेटिंग आपसे एक हो नहीं पाएगी और जिससे ना मतलब चीजें उल्टी सीधी आगे पीछे से एनिमेट होना शुरू हो जाएंगी। अच्छा आ गए वो भी सब इसकी। अच्छा हसन अमीर यहाँ तक सब क्लियर है? जी क्लियर है। बस ठीक है। रीसाइज का आपको बता दिया है कि मतलब जिस भी साइज में क्लाइंट को डिमांड दे देता है तो यहां से होगा, जी सही ठीक है ना? तो अभी जी। ये हमारा डिजाइन मतलब हम कह लें कि हमारा रेडी हो गया। हमने इसमें मतलब आप क्या ऑनलाइन कोर्स में कराते हैं, यहाँ पे जो भी टैक्स आपका लिखना है आप लिख सकते हैं, जो भी आप मतलब चाहे मर्जी से जो भी आप पोस्ट क्रिएट कर रहे होंगे। तो इसको अगर सेव करना, अभी ये हमारी होगी वीडियो में सेव, क्योंकि हमने इसको वीडियो में कर दिया है। ठीक है, तो हम इसको वीडियो में नहीं कर रहे, हम यहाँ से ये गाना वगैरह ना रिमूव कर देते हैं यहाँ से। हम अभी एक स्टेट्स पोस्ट ही बना रहे हैं बस। तो यहाँ पे आपने उस दिन आप पूछ रहे शेयर पे क्लिक करना है, शेयर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा नीचे से डाउनलोड, डाउनलोड पे आपने क्लिक करना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ से ये जेपीजी फाइल में कर लें या पीएनजी में कर लें, पीडीएफ में कर लें या पीडीएफ प्रिंट में कर लें। मतलब ये क्लाइंट आपको बताएगा कि मुझे मुझे किस मकसद के लिए चीज चाहिए। अच्छा एहतिशाम की 1 मिनट कॉलें आ रही है। मिनट यार ये एहतिशाम के पास क्यों नहीं हो रहा, पर्सनल तो नहीं किया हुआ? अच्छा आगे। अच्छा सेव आपका यहीं पे होगा, शेयर पे क्लिक करना है, डाउनलोड पे क्लिक करना है और सिंपल आपने यहाँ जहाँ पे MP4 वीडियो लिखा हुआ है यहाँ पे क्लिक करना है। आपको जिस भी फॉर्मेट में चाहिए, जेपेज में चाहिए, पीएनजी में चाहिए, पीडीएफ, पीडीएफ प्रिंट, तो उसमें आप कर सकते हैं। तो आप लोगों को ये आइडिया तो होगा कि जेपेज फाइल, पीएनजी, पीडीएफ ये क्या होता है, या ये बता दूँ? बता दें तो अच्छा जेपेज, नो। जेपेज फाइल, एक मिनट मैसेज आओ। ये मैंने आई नो वाला बोला अच्छा एहतिशाम अब आ गए हो आप? जी, पहले पर्सनल का आ रहा था कि पता होस्ट नहीं, ने मतलब पर्सनल भी किया हुआ। यार पता नहीं क्या हो गया था फिर। चलें अब आ गए हो तो ठीक है। आवाज नहीं आ रही शिराज, आवाज क्यों नहीं आ रही अब? बाकियों के पास तो जा रही है। शिराज अब आवाज आ रही है मेरी?
अच्छा यार शिराज के पास अब पता नहीं क्यों आवाज नहीं जा रही। चले हम आगे मूव करते हैं। तो शेयर पे आपने क्लिक करना है, यहाँ पर आपने फाइल को अपने मर्जी के हिसाब से सेव कर लेना है। मोस्टली जेपेज में ही फाइलें सेव होती हैं, ये मतलब बेस्ट फॉर शेयरिंग इसके नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है। तो इसको इमेज को आप पीएनजी में तो सेव कर नहीं सकते, क्योंकि पीएनजी में फाइलें सेव होती हैं लोगों की, या कोई भी एक उसको डिजाइन चाहिए हो ना, तो पीएनजी, पीएनजी मतलब ट्रांसपेरेंट एक फाइल होती है जिसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता। आप जैसे हमारे लोगो देख लें, जो हम लोगो बनाते हैं तो उसको पीएनजी में सेव करते हैं, ताकि वो ना हम कहीं पर भी आसानी से उसे लगा सके, उसके बैक एंड पे कोई बैकग्राउंड ना आए, ना तो ब्लैक का है ना व्हाइट है, किसी भी किस्म का कोई बैकग्राउंड नहीं आना चाहिए। तो बहुत से क्लाइंट की ना ये डिमांड होती है कि उन्हें ना फाइल जो है वो जेपेज में भी चाहिए होती है, और पीडीएफ स्टैंडर्ड साइज में भी चाहिए होती है, और प्रिंटर साइज में भी चाहिए होती है। स्टैंडर्ड में जो होता है ना वो मतलब आप कंप्यूटर पर देख सकते हो या लैपटॉप पर, उस चीज को देखने के लिए वो स्टैंडर्ड इस्तेमाल करते हैं, या मेल करना हो किसी को बस सिर्फ उसकी सॉफ्ट कॉपी। और जो पीडीएफ प्रिंट होता है ना, ये होते हैं CMY के कलर्स में, ये स्पेशल होती है प्रिंटिंग के कलर्स के लिए। आप जेपेज फाइल का प्रिंट नहीं निकाल सकते, अगर आप उसका प्रिंट निकालेंगे तो आपके पास मसला आएगा, वो प्रिंट आएगा ही सही नहीं। तो अगर क्लाइंट आपको कहता है कि यार मैंने प्रिंट निकलवाना है, तो आपने उसको पीडीएफ प्रिंट फाइल देनी है। तो फिलहाल के लिए हम जेपेज जैसे सेव कर लेते हैं, यहाँ पे जेपेज पे क्लिक करेंगे, इसका साइज मतलब जो हमारा ये दी होता है इसी साइज को नहीं छेड़ना आप लोगों ने, नहीं तो ये फिर से गलत हो जाएगा। तो यहाँ से आपकी क्वालिटी 100 कर लें, ताकि ये फुल ना मतलब उसमें डाउनलोड हो हाई क्वालिटी। यहाँ से डाउनलोड पे क्लिक करें तो ये थोड़ी देर में आपकी डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये देखें ये डाउनलोड हो गई है, ये देखें ये आपकी इमेज आ गई जो आपने बनाई है। इसके अलावा हम दोबारा होम पे चले जाते हैं। अच्छा अभी सेव की समझ आ गई है ना, सेव मतलब किस तरह होगी फाइल, कोई उसमें इशू तो नहीं है? नहीं पीडीएफ कोई नहीं मतलब कोई ऐसी बात जो पूछनी हो कि ये किस तरह होगा, क्लाइंट बार बार कहेगा आपको कि उसे किस मकसद के लिए, बल्कि आपने उससे पूछना है कि आपको ये चीज क्यों चाहिए, क्या करना है आपने इसका, तो वो आपको सारा उसमें बताएगा कि मुझे इसलिए चाहिए, मुझे इसका प्रिंट निकलवाना है या नहीं निकलवाना, जो भी मतलब होगा तो आपसे कहेगा। तो वो मतलब उससे पूछेगा कि आपको किस डिजाइन मतलब किस फॉर्मेट में चाहिए। मोस्टली क्लाइंट जो होते हैं ना, तो ये इनके लिए तो वो ये चीजें चल जाएंगी। बाज ऑफ क्लाइंट ये भी कह देता है कि मुझे PSD में भी चाहिए, फोटोशॉप की वो फाइल होती है, तो वो फाइल अच्छा होती है फोटोशॉप की, उसमें आप ना फोटोशॉप में मजीद जाके उसमें मजीद कुछ भी ऐड कर सकते हैं, एडिटिंग करनी हो तो आप कर सकते हैं। नहीं तो आपको जैसे मैंने बताया था कि बाद में क्लाइंट ये भी कह देता है कि आप डिजाइन तैयार कर लो, और जब आप बना लो तो उसका मुझे अपने कैनवा पे शेयर करना है, तो वो भी मैंने आपको कल के उसमें बताया था कि किस तरह शेयर होगा कैनवा पे। तो बाद में क्लाइंट खुद को ही उसको कैनवा का आइडिया होता है, क्योंकि आप जब चीजें बनाओगे तो वहां पे आप मेंशन करोगे कि आप ये डिजाइन वगैरह ना कैनवा पे आप बना रहे हो। फोटोशॉप में तो आपके पास बहुत से फीचर्स आ जाते हैं उसको मतलब किसी भी किस्म के उसमें मूव करने में, यहाँ पर लिमिटेड एक है। तो इसके बाद हमने वही फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर ही सीखना है, ये बस आपको स्टार्टिंग एक किक देनी थी कि चलें आप लोग स्टार्ट कर लें काम। तो अभी मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है, मजीद कल हम देखेंगे कि इसमें मजीद क्या क्या चीजें हैं। तो आप साथ साथ प्रैक्टिस भी करें यार, कोई ना पोस्टें वगैरह बनाएं भी सही, चाहे वो अपने लिए बना लें, अपने बिजनेस के लिए भी बना लें। आगे कोई आइडिया हो कि मतलब आप लोग ठीक है, कुछ सीख रहे हैं, तो अभी कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे पूछ लें, या कल की क्लास में कोई कंफ्यूजन थी तो कुछ पूछना चाहते हैं तो। यार ये शिराज के पास आवाज नहीं आ रही, तो उससे फिर रिकॉर्डेड लेक्चर ही दे देंगे। अच्छा इसमें आप लोग ना सारा कुछ बना सकते हो, ये YouTube के थंबनेल वगैरह भी बना सकते हैं वही सेम चीजें यूज करके।
यहाँ पे आप लिखेंगे YouTube थंबनेल, ये एहतमाम तुम्हारे लिए है काम चीज है। ये देखिए यहाँ पर आपको बहुत से YouTube के थंबनेल मिल जाएंगे, यहाँ से आप कोई भी उठा लें, कोई भी आपको पसंद हो। ये सेम इसका YouTube का ही साइज होगा जो फिट आएगा उस पे। यहाँ से कोई भी उठाए, यहाँ से यूज कर लें। अच्छा ठीक है शिराज का। अच्छा किसी का कोई क्वेश्चन है तो बता दें, फिर उसे कर लेते हैं। नहीं कोई नहीं है। ठीक कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर क्लास एंड कर दें। ठीक है तो बाकी ये दशाम शिराज आप दोनों का कोई क्वेश्चन। मेरा एक था, मैंने वो जब वीडियो लगा दी थी तो वीडियो मेरे से हट रही नहीं थी। वीडियो मतलब किस तरह नहीं हट रही थी, मतलब वीडियो आप हटाना चाह रहे थे? हाँ वो जो मैंने बनाई थी ना 5 सेकंड की, हाँ तो सिंपल है ना, उसके लिए आपने म्यूजिक भी कोई ऐड किया था? तो म्यूजिक नहीं किया था। आपने वो छोड़ देना था ना, आपने मतलब म्यूजिक ऐड नहीं भी किया, अगर आपके पास से वीडियो बन भी गई है ना तो कोई इशू नहीं है। आपने मतलब सिंपल यहाँ पे शेयर पे आके ना यहाँ पे डाउनलोड करना है, और यहाँ पे आपने MP4 में करना ही नहीं है, अपने यहाँ से JPEG फाइल में डाउनलोड कर लें। आपकी वीडियो आएगी ठीक नहीं, हो गया। आपकी वीडियो आएगी नहीं, आपकी ये एक फाइल डाउनलोड होगी। और अच्छा ये मैं फिर अगेन बता दूं कि ये साइज को नहीं छेड़ना आप लोगों ने, ठीक है? इसको कुछ नहीं करना, ये अगर इसको कुछ करेंगे ना तो वो फिर आपका पूरा का पूरा जहाँ के जिस साइज के लिए आप चीज बना रहे हो ना वो फिर ना गलत हो जाएगी, ठीक ठीक है ना? तो इसको ज्यादा नहीं चढ़ना, बल्कि नहीं यार एक मिनट, इन्होंने बहुत अच्छा फीचर दे दिया, एक मिनट। ठीक है, पहले कुछ और था, अभी इन्होंने अपडेट किया, मेरे ख्याल से आप सही हो गया। इसको अच्छा कर सकते हैं, अगर आपको हाई क्वालिटी में चाहिए हो ना तो इसको साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इसका वो वेट और हाइट सेम रहेगी, इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा। जैसे पहले अगर 500 KB की बन रही थी ना तो आप ये बनेगी तकरीबन 2 MB की, 3 MB की, मतलब हाई क्वालिटी में हो जाएगी आपकी। तो इसको थोड़ा सा यहाँ पे करके रख लीजिएगा, ठीक है? ठीक ठीक है, अभी अब मेरे ख्याल से अभी कोई अपडेट आई है, पहले इसमें कुछ और ही सीन था, तो ये अच्छा हो गया। मतलब इससे आपकी फाइल का साइज थोड़ा ज्यादा हो जाएगा तो उसकी क्वालिटी हाई हो जाएगी। तो वीडियो वाला मसला भी हल हो गया। कल हम वैसे वीडियो भी बनाना इस पे सीखेंगे कि वीडियो कैसे बनाएंगे। आज तो ये वाला सारा कुछ है जो है वो तकरीबन ठीक ही है। अब किसी का कोई सवाल है नहीं, अगर कोई है तो वो पूछ लें। और जो मैंने आगे बताया करने के कलर वाले, लिए और हाँ ये मैं फिर बता दूं कि यार ये ना कलर जही वाले इस्तेमाल करना है यहीं से, ठीक है? ये स्टाइल में सही, आप लोगों ने खुद कोई कलर नहीं देने, वो कुछ अजीब ही भिड़ंगी चीज बनेगी। या फिर कलर आप यूज कर लेना जो आपके लोगो में हो, जैसे कि अभी फर्ज कर लें कि मेरे पास एक लोगो है, यहाँ से मैं अपलोड करता हूँ अपना लोगो, ये मेरे पास PNG फाइल पड़ी हुई है।